नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, ये आपको ले चलते हैं देश दुनिया के तमाम पत्रों। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग, आज यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। हेरोल्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में अब मल्लिका अर्जुन खड़गे से पूछताछ, इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं। देवघर में त्रिकूट रोपवे की ट्रालियां आपस में टकराई, 48 लोग फंसे, रेस्क्यू अभियान जारी। पंजाब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक, राहुल की तस्वीरों के साथ लिखा सच भारत। 47वें दिन यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले, माइकोलेव में जोरदार धमाका। JNU में नॉनवेज पर छिड़ी लड़ाई, रामनवमी के दौरान हॉस्टल में मांसाहार परोसने पर भिड़े AVVP के और लेफ्ट गुट, कई स्टूडेंट घायल, FIR। लेफ्ट संगठनों का मार्च रोकने की तैयारी, JNU के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। FBI भारत में नहीं कर रही बिटकॉइन घोटाले की जांच, CBI ने दावा खारिज किया। उत्तर भारत में लू और गर्मी का कहर, दिल्ली में हीट वेव का येलो अलर्ट। नोएडा में मिला फर्जी कॉल सेंटर, इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा चुराकर 4.5 करोड़ की ठगी। सीधी में बलिया तक फिर चर्चा में प्रेस फ्रीडम, लगातार गिरी है भारत की रैंकिंग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन की नई कैबिनेट की शपथ ग्रहण, आज पिछड़ा वर्ग पर खेला गया। रामनवमी पर करौली से कर्नाटक तक हुई हिंसा, OBC ने हिंदूवादी संगठनों को। UP में अब ट्रांसफर पोस्टिंग की बारी, पंचम तल तक दिखेगा बदला। मुर्तजा की रिमांड 5 दिन बढ़ी, आरोपी की तरफ से पेश नहीं हुआ कोई वकील। गुजरात में हुआ दर्दनाक हादसा, भरूच के दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, रिएक्टर के पास काम कर रहे 6 मजदूर जिंदा गए। दिल्ली में केंद्र की धान खरीदी नीति के खिलाफ धरना, KCR और टिकेत एक साथ हुए शामिल। रायसेन के शिव मंदिर पहुंची उमा, बोली जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक के लिए अन्य त्याग रही। MP के किसानों के लिए बड़ी खबर, गेहूं बेचने के लिए 13 अप्रैल तक बुक करा सकेंगे स्लॉट, तय तारीख के 7 दिन के अंदर जाना होगा खरीदी के। MP के खगौन में दबंगियों के घर चला बुलडोजर, 30 मकान दुकान फूकी, 70 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा, CM बोले दबंगियों को छोड़ेंगे नहीं। ओरछा में दीपावली जैसा नजारा, रामनवमी पर 5 लाख दियों से जगमग हुआ रामराज सरकार की नगरी, धूमधाम से मना श्री राम जन्मोत्सव। गुड्स ट्रेन मैनेजर के 147 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट 25 अप्रैल तक करे आवेदन। शाहिद कपूर ने जर्सी की रिलीज डेट बदली, अब 14 की जगह 22 अप्रैल को आएगी। नहीं रहे अभिनेता शिव सुब्रमण्यम, देर रात मुंबई में ली अंतिम सांस, 2 महीने पहले बेटे का ब्रेन ट्यूमर में हुआ था। आज हैदराबाद और गुजरात की भिड़ंत, जीत का चौका लगाने उतरेंगे हार्दिक, ऑरेंज कैप में 38 रन दूर शुभमान गिल। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।